सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में ये बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले 10 वर्ष की क्या उपलब्धि रही? क्या अगर आप नोटबंदी को उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। अगर आप जीएसटी को जिस तरह से क्रियान्वित किया उसको उपलब्धि मांगते हैं, जिसने भारत का सारा लघु उद्योग को कई सालों तक नष्ट कर दिया, तो फिर मैं उसको आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना करना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया। नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ? सीएजी के रिपोर्ट में ये बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर, सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन को इतना गंभीरता से ले करके 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द कर दिया, सिस्टम हो गया, बंद हो गए, सफाई हो गया, मगर उससे क्या हुआ देश का, उसका देश के लिए क्या हुआ, उसका असर देश के लिए कितना हुआ? White paper has been laid on the table by a government which after 10 full years of pulling out an Indian economy which was in a state of fragile 5 to reach the stage of top 5 economy and on the verge of reaching top 3 position. It is a statement laid with responsibility so that the records of the Lok Sabha and the Rajya Sabha have the factual information on the economy. And that record shall be a record for our posterity, for our future, for entire India's youth, so that they know what effort it took for a prime minister. 2004 से लेके 14 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, तो जो सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आती है उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। They were absolutely an incompetent government. ये किस तरह का लॉजिक है? 2014-15 में 16,572.1 लाख person days मनरेगा में क्रिएट हुए। 2022-23 में वो बढ़कर 29,564.15 लाख person days हो गए। मतलब जितने लोगों ने मनरेगा में काम ढूंढा उनकी गिनती दोबारा
दुगनी हो गई। तो अगर अर्थव्यवस्था में रोजगार के साधन थे तो लोग जाकर मनरेगा के तहत मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको यूपीए का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस स्कीम को आप कहते थे कि ये गड्ढे खोदने और गड्ढे भरने की स्कीम है, इसी स्कीम ने आपको पिछले 10 साल में बचाया है, नहीं तो इस देश में अराजकता होती। वर्ष 2005 से लेकर 14 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी क्यूमुलेटिवली वो 6.8% से बढ़ी, और 2015 से लेकर 2024 तक वो अर्थव्यवस्था 5.9% से बढ़ी। और आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, हमने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, हमने सारे बैंक लूट लिए। तो अगर ये सारी बात सही है वित्त मंत्री जी, तो ऐसा क्यों है कि जो हमारे 10 साल का कार्यकाल था उसमें अर्थव्यवस्था आपके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा बढ़ी? और ये दोनों जो आंकड़े हैं 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर है, इसमें फर्क नहीं है कि 2004-05 की प्राइसेस के ऊपर कोई आंकड़ा है और 2011-12 की प्राइसेस के ऊपर कुछ आंकड़ा है। अब मैं आता हूं डॉलर के ऊपर। आप भी प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे याद है कि डॉलर के बारे में बहुत बात हुआ करती थी। जब भी डॉलर ऊपर जाता था तो उसकी तुलना प्रधानमंत्री की उम्र से की जाती थी। जब हमने 26 मई 2014 को सरकार छोड़ी तो एक डॉलर 58.65 रुपये का था। 4 फरवरी 2024 को वो डॉलर 82.93 पैसे का है।